नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। 14 अक्टूबर 2024 को भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमत 76,132 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 90,500 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले दिन की तुलना में सोने की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विभिन्न प्योरिटी के सोने के रेट्स भी जारी किए गए हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 200 प्रशासनिक अधिकारी स्केल एक जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। आवेदन 15 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक होंगे। परीक्षा 14 दिसंबर 2024 को होगी। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट uiic.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सीमा पार धन प्रेषण की लागत और समय घटाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने नई तकनीक और भुगतान प्रणाली के इस्तेमाल पर जोर दिया और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से कुशल सीमा पार भुगतान की संभावनाओं का भी उल्लेख किया और एआई के दुरुपयोग के खतरे पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत 1.55 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। पोर्टल 12 अक्टूबर को लाइव हुआ है, जिसमें 21 से 24 साल के लोग आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी। इसमें मासिक 5,000 रुपये और 6,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। ये योजना 1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाबर आजम को दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए बाहर कर दिया है, जिससे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी माइकल वॉन ने इस निर्णय को बेवकूफ़ी भरा बताया है। बाबर का हालिया प्रदर्शन कमजोर रहा है, लेकिन कप्तान शान मसूद ने उनका समर्थन किया था। दिल्ली में इस दिवाली पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी है कि 1 जनवरी 2025 तक पटाखों का निर्माण, स्टॉक, बिक्री और खरीद पर पाबंदी होगी। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील की और कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर को संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। ये 10 साल में पहली बार है जब कोई भारतीय मंत्री पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश है। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने दिवंगत रतन टाटा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने कर्मचारियों और उनके परिवारों की भलाई पर जोर दिया। चंद्रशेखरन ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में रतन टाटा की मानवता और गर्मजोशी को याद किया। उन्होंने टाटा के साथ अपने संबंधों का भी उल्लेख किया और कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देने की उनकी प्रतिबद्धता की तारीफ की। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और क्रिकेट संघर्ष 19 अक्टूबर को ओमान में इमर्जिंग एशिया कप में होने जा रहा है। ये मुकाबला इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच होगा। तिलक वर्मा के नेतृत्व में इंडिया ए की टीम पहले मैच में पाकिस्तान का सामना करेगी। ये टूर्नामेंट पहली बार T20 फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो 6 दिसंबर को रिलीज होगी। मेकर्स ने नए पोस्टर के साथ इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ओपनिंग डे पर 175 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। यदि पेड प्रीव्यू होता है तो ये भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सकती है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 5G तकनीक से भारत की अर्थव्यवस्था में 2040 तक लगभग $450 बिलियन का निवेश होगा। उन्होंने 5G को स्मार्ट शहरों और उन्नत बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण बताया है। सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नैतिक नियामक ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि तकनीकी नवाचार सभी को लाभ पहुँचा सके। अभिनेत्री जया बच्चन ने 1980 के दशक में अपने करियर को अलविदा कह दिया, लेकिन बच्चों की परवरिश के बाद 1997 में वापसी की। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अमिताभ की मंजूरी लेनी पड़ी, तो जया ने कहा, वे मेरे पति हैं, मेरे अभिभावक नहीं। जया ने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर फिल्म उद्योग में सक्रियता बनाए रखी।
ईडी ने झारखंड के जल जीवन मिशन में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरिंद्र सिंह, आईएएस मनीष रंजन और अन्य ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की है। रांची और चाईबासा सहित करीब 20 स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई, जहां से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मर्डर से बॉलीवुड में मातम छा गया है। इस दुखद मौके पर अमिताभ बच्चन ने बाल संवारते हुए एक फोटो शेयर किया, जिससे फैंस भड़क गए। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी हरकतें असंवेदनशील हैं, खासकर जब पूरे देश में शोक का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल द्वारा 5 विधायकों के मनोनयन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई नहीं की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में जाने का सुझाव दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ये चुनावी जनादेश को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कोर्ट ने मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने को कहा है। भारतीय टीम की आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया ए ने भारत ए के खिलाफ 2 फर्स्ट क्लास मैचों के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। युवा बल्लेबाज सैम कोटांस को शामिल किया गया है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। टीम की कप्तानी नाथन मैक्सविनी करेंगे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने टेस्ट टीम से बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए शुभकामनाएं दी हैं। शाहीन समेत बाबर आजम, नसीम शाह और अबरार अहमद को आराम दिया गया है। उनकी जगह नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। 17 अक्टूबर को आसमान में हंटर मून देखने का मौका मिलेगा, जो पृथ्वी के करीब और बड़ा दिखाई देगा। ये चंद्रमा 2,20,055 मील की दूरी पर होगा। हंटर मून का नाम नेटिव अमेरिकन जनजातियों से आया है, जो सर्दियों के लिए मांस का भंडार करते थे। ये महीना खगोल प्रेमियों के लिए खास है। स्मार्टफोन में सिम कार्ड डालकर कॉलिंग और इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन नेटवर्क कवरेज कभी कभी कमजोर हो सकता है। नेटवर्क स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फ़ोन को रिस्टार्ट करें और सिम कार्ड सही से लगाएं। नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करें, फ़ोन को अपडेट करें, खुली जगह में जाएं, नेटवर्क मोड बदलें, कैसे हटाएं और बैकग्राउंड ऐप्स बंद करें। रिमोट एक्सेस स्कैम एक साइबर हमला है, जिसमें स्कैमर आपको तकनीकी मदद का झांसा देकर आपके डिवाइस पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। वे अनजान नंबर से कॉल या ईमेल करके संपर्क करते हैं, समस्या बताकर रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। इससे बचने के लिए अनजान कॉल का जवाब ना दें, ईमेल लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी पर्सनल जानकारी साझा ना करें। श्रीलंका की नई सरकार ने अदानी समूह की पवन ऊर्जा परियोजना पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। अटॉर्नी जनरल ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि यह निर्णय 7 अक्टूबर को ही मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। राष्ट्रपति दिशा नायके ने चुनाव से पहले वादा किया था कि उनकी पार्टी इस परियोजना को रद्द कर देगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में चंदन राज ने सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया, लेकिन अब वे अपने निर्णय पर पछताते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वहां की बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स उनके लिए चुनौती बन गई हैं। उनके ट्वीट के वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने सुधार के वादे किए हैं। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 9 रन से हारकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कम कर दी हैं। अब भारत की किस्मत पाकिस्तान पर निर्भर है, जो न्यूजीलैंड को हराकर संभावनाएं जिंदा रख सकता है। हरमनप्रीत कौर की मेहनत के बावजूद अंतिम ओवर में विकेट गिरने से भारत की हार निश्चित हो गई है। सोशल मीडिया पर मुकेश अंबानी के परिवार की तस्वीरें साझा करते हुए फर्जी पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें लाइक करने पर लाखों रुपए का इनाम देने का दावा किया जा रहा। ये सभी स्कीमें पूरी तरह से झूठी हैं और इनका मकसद सिर्फ लाइक बटोरना है। रिलायंस या अंबानी परिवार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक चिता जलती दिखाई दे रही है, जिसे रतन टाटा के अंतिम संस्कार से जोड़ा जा रहा। लेकिन फैक्ट चेक से पुष्टि हुई है कि ये तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार की है। रतन टाटा का अंतिम संस्कार विद्युत सभागार गृह में हुआ था। खजूर पोषण और स्वाद का अनूठा संगम है, जिसमें नेचुरल शुगर, विटामिन, खनिज और फाइबर पाए जाते हैं। ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, पाचन को बेहतर बनाता है, त्वचा को निखारता है और वजन बढ़ाने में मददगार होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग स्वास्थ्य को भी बेहतर करते हैं।
महाराजा एक्सप्रेस भारत और एशिया की सबसे महंगी ट्रेन IRCTC द्वारा संचालित है। इसका किराया 65,694 रुपए से ले शुरू होकर 19 लाख रुपए तक पहुंचता है। यात्रा में 5-स्टार सुविधाएं, ताजमहल, खजुराहो मंदिर और अन्य विशेष स्थलों का दौरा शामिल है। यह अनुभव आपको राजसी एहसास दिलाता है। अगर आप विलासिता का अनुभव करना चाहते हैं तो जरूर सफर करें। बिहार के 15 जिलों के जिलाधिकारी 2 से 27 दिसंबर 2024 तक मसूरी में अनिवार्य प्रशिक्षण में भाग लेंगे। 2012 से 2016 बैच के 22 IAS अधिकारियों को इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए ऑनलाइन निबंधन करना होगा, जो 4 नवंबर 2024 तक खुला रहेगा। सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने की योजना बनाई है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 10वीं और ITI पास उम्मीदवारों के लिए 307 ट्रेड और तकनीशियन अप्रेंटिस पदों की भर्ती शुरू की है। आवेदन प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। चयनित ट्रेड अप्रेंटिस को 8,000 रुपये और टेक्निकल अप्रेंटिस को हर महीने 9,000 रुपये दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। भारत ने कनाडा के आरोपों का जोरदार खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि भारतीय राजनयिक एक जांच में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। विदेश मंत्रालय ने इसे निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत के खिलाफ राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं और उनकी सरकार अलगाववादियों के समर्थन पर निर्भर है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नौसाद रजा, प्रमीला कुमारी, दीपक कुमार, अरविंद सिन्हा, मोहम्मद अरमान बिहारी, विरवंश कुमार, गोविंद कुमार, प्रिंस पासवान, उन्नू गोलू कुमार, राजन, राम बाबू दास, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, रेहान आलम, जितेंद्र ठाकुर, रविशंकर, वरुण सिंह। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको अपने जीवन में किससे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।